बिजनौर जिला कारागार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, कैदियों के बैरकों की सघन चेकिंग की, जेल निरीक्षण में नहीं मिली कोई आपत्तिजनक सामान। बिजनौर में कार में संदिग्ध परिस्थिति में एक शख्स जला हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में व्यक्ति को अस्पताल में कराया भर्ती, मामले की जांच में जुटी। जनपद बिजनौर में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे नया सवेरा अभियान के अंतर्गत 16 लाख की नाजायज स्मैक के साथ किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया पेश। मुरादाबाद में नगर निगम ने शहर में टैक्स के बकायादारों के घरों पर दी दस्तक। कर अधीक्षक के नेतृत्व वाली टीम ने शहर के मोहल्लों में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली का चलाया अभियान। पहले भी कई मकानों पर सील लगा चुका है निगम। मुरादाबाद में दो दिन पहले सरेआम बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में किया गिरफ्तार, घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ठाकुरद्वारा में सरेआम गोली मारकर की थी हत्या। चांदपुर तहसील के गांव पालना में पुरानी रंजिश को लेकर तमंचे से किया जानलेवा हमला, हाथ में लगी गोली, घायल को जिला अस्पताल में किया रेफर। रेहड़ में हैंड वॉश डे के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर नन्हे मुन्नों के हाथ धुलवाकर उन्हें साफ सफाई के महत्व से कराया गया अवगत, इससे होने वाले फायदों के बारे में दी गई जानकारी। बिजनौर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक। जिलाधिकारी ने ई लॉटरी के माध्यम से किया लाभार्थियों का चयन। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।